करणवीर ने फंसाया अविनाश मिश्रा को अपनी बातों के जाल के अंदर। जी हाँ, अविनाश मिश्रा काफी ज्यादा शाणे बन रहे थे एंड जिसको लेकर उनको काफी बुरी तरीके से अपने जाल में फंसाया करणवीर ने बातों के अंदर, क्योंकि उनकी गलती वो खुद मान नहीं रहे थे, लेकिन करणवीर की बातों ने उसको उनकी गलती मनवा दी। आखिरकार अविनाश ने क्या गलती एक्सेप्ट की और उसके अलावा क्या कुछ भसड़ हुई है इसके बाद में, करणवीर ने क्या कुछ बोला है, बिग बॉस से भी एक काफी बड़ी डिमांड की है करणवीर ने, सॉरी। एंड ऐसी और भी इंटरेस्टिंग अपडेट सबसे पहले जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, करणवीर अविनाश मिश्रा से ये पूछते हैं कि भैया कल रात को तुम चार जन थे एंड तुमने भी परेशान किया, जिसका अविनाश कहते हैं नहीं ऐसा तो क्लियर है ना, तुमने कुछ नहीं किया ना कल रात को। वो कहते हैं नहीं, मैंने सिर्फ खाना बनाया, मैंने किसी को परेशान नहीं किया। जी हाँ, जिसके बाद अविनाश मिश्रा को करणवीर कहते हैं चलो ठीक है, तेरा क्लियर है, तूने नहीं किया कुछ, चल तू साइड हो जा, बाकी तीन है, अब हम तीन से बात करें। और करणवीर शिल्पा शिरोडकर को देखकर कहते हैं इनडायरेक्टली कि भैया अविनाश मिश्रा का इसमें कोई लेना देना है, इसने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ अपना खाना कर रहा था, तो अपने उन तीनों से बात करें ना, उन तीनों ने परेशान किया और कुछ ना कुछ गलती की होगी। जिसके बाद अविनाश मिश्रा का थोड़ा चेहरा उतर जाता है और उनको ऐसा लगता है कि ये काफी इनडायरेक्टली टोंट मारे जा रहे हैं इनको। एंड उसके अलावा देखा जाए तो अविनाश मिश्रा ये भी कहते हैं कि भैया मैंने जानबूझ के पहली बार तो कुछ किया नहीं, और जानबूझ के तो वैसे भी कुछ नहीं हुआ है, और बाकी तीनों से कर लो आपको करना है। तो जिसके बाद करणवीर कहते हैं अरे यार मेरे को बस ये प्रॉब्लम है कि चोरी चोरी छिपे जो भी आप कांड कर रहे हो वो कोई फायदा नहीं है, अगर आप कांड कुछ कर रहे हो तो डट के करो। और वहीं पर ये भी कहते हैं कि जो चाहत पांडे उन्होंने एक कांड किया जो कि तुम्हारे ऊपर पानी फेंका और उसको उसने एक्सेप्ट किया, जब सबने पूछा कि आपने किया तो चाहत पांडे ने किया, कहा हाँ मैंने किया, मेरा मैं गुस्से से भरी हुई थी और मैंने ये कर दिया। जी हाँ, जिसके बाद सभी कंटेस्टेंट उनको सुनाया कुछ नहीं, ठीक है अब इसने गलती मान ली तो उसको समझाया भी, लेकिन वहीं पर अविनाश मिश्रा ये बातों को नहीं समझ रहे हैं। एंड करणवीर मेहरा डिमांड करते हैं बिग बॉस से कि बिग बॉस कुछ अच्छे कंटेस्टेंट्स को भेजो, ये अंडर 18 वाला बिग बॉस खेल रहे हैं, अंडर 18 मतलब ये जो, और अविनाश मिश्रा को बताया कि वो अभी बच्चा है। जी हाँ, और वो कहते हैं कि अच्छे कंटेस्टेंट भेजो जिससे लड़ने में मजा आए, ये क्या बच्चों को भेज रखा है। जी हाँ, इसके ऊपर आपका क्या है कहना प्रॉपर वीडियो के ऊपर प्लीज कमेंट के अंदर बताना, और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लें।